हेलो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक और ये है शिंजो। शिंजो एक डॉल फेस पर्शियन कैट है और शिंजो की एज अभी 1.6 इयर्स है, लगभग डेढ़ साल के ऊपर का हो गया है। और शिंजो का जो बेसिक फूड है, जो इसे पसंद है, जो हम इसको देते हैं, वो है कैट फूड, ऑब्वियसली विस्कस का मैकरल फ्लेवर। तो ट्रीट खाना तो सभी कैट्स को पसंद है, लेकिन इसे फ्रूट्स भी बहुत पसंद है। इसके फेवरेट फ्रूट्स हैं मैंगो। हम देखते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि खट्टा तो नहीं है, अगर मीठा होता है तभी इसको मैंगो देते हैं। मैंगो हो गया, एप्पल, चीकू और साथ में बनाना। बनाना को हम लोग इसको मैश करते हैं और फिर खिलाते हैं। इसे कोकोनट बहुत पसंद है, जो ग्रीन कोकोनट होता है, वो कोकोनट वाटर बहुत पीता है ये और इसको बहुत पसंद है। और साथ में इसको मलाई बहुत पसंद है कोकोनट की, तो वो भी हम इसको लगभग वीक में 4 कोकोनट देते हैं। पूरा नहीं खाता है कोकोनट की मलाई, लेकिन ठीक ठाक खा लेता है, जितना फूड इसको लगता है, जितना इसकी कैपेसिटी होती है खा लेता है। और इससे इसकी स्किन और इसके हेयर्स बहुत ही अच्छे रहते हैं, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिलहाल मैंने इसकी ग्रूमिंग करा के रखी, इसलिए इसके बाल आपको बहुत छोटे लग रहे हैं। इसके बाल बहुत लंबे हो जाते हैं, लगभग इस ट्रीट की साइज़ इतने लंबे हो जाते हैं। और ये अभी जो इसका साइज़ दिख रहा है, इससे ये 3 गुना बड़ा हो जाता है जब इसके बाल फुल ग्रो हो जाते हैं। तो इसकी मैं 3 महीने में एक बार ग्रूमिंग करवाता हूँ। तो मेरे पास एक डॉग भी है जिसका नाम है शीरो, और शीरो एक पग ब्रीड का डॉग है। और शीरो और शिंजो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ खेलते हैं और बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, एक फैमिली की तरह। जब मैं शिंजो को लेके आया था अपने घर, तब शिंजो सिर्फ 30 दिन का था। तो अब हम बात करते हैं शिंजो की हेल्थ के बारे में। डेढ़ साल में क्या शिंजो को कोई भी हेल्थ इशू आए हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिंजो को कोई भी हेल्थ इशू नहीं आया, चाहे वो वॉमिटिंग हो या फिर वो हो लूज मोशन, तो ऐसे कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं आए हैं। इन्फेक्शन ले लीजिए आप, या कोई भी ऐसी जो कैट्स में इश्यूज आते हैं नॉर्मली, बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि हम इसको एक प्रॉपर डाइट देते हैं। हर पर्शियन कैट में कॉमन प्रॉब्लम आती है हेयरबॉल की, जब ये लिक करते हैं अपने आप को साफ करने के लिए, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है कैट का, तो इनके टंग से इनके जो हेयर्स हैं वो चिपक जाते हैं और वो पेट में जाते हैं, तो वो पच नहीं पाते हैं, तो फिर ये वॉमिट करते हैं उस हेयरबॉल को निकालने के लिए। अगर वॉमिटिंग में हेयरबॉल नहीं निकलता है तो बाद में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कैट्स को, उनका स्टमक पेन करने लगता है और कई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन शिंजो के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शिंजो को हम लोग रोज़ दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, और शिंजो को हम लोग नहलाते हैं महीने में 1 बार, और 3 महीने में 1 बार इसकी हेयर कट करवाते हैं, ग्रूमिंग करवाते हैं एकदम प्रॉपर। अगर ऐसा लगता है कभी कि कोई घर में गेस्ट आ रहा है या फिर हमको शिंजो को लेके कहीं जाना है, तो हम लोग इंस्टेंटली ड्राई बात करते हैं, एक स्प्रे आता है, वो स्प्रे करते हैं, रब करते हैं और टॉवल से पोंछ देते हैं, तो एक इंस्टेंट ड्राई बात हो जाती है, जो भी जर्म्स होते हैं वो चले जाते हैं। साथ में अगर आपकी कैट के ऊपर से कुछ स्मेल आ रही है तो वो भी चली जाती है। तो बस इतना ही बताना था आप सभी को शिंजो के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।